जिंदगी में थोड़ा थ्रिल वापस लाने के लिए, क्योंकि थ्रिल जरूरी है, तुम्हारा भाई चैलेंज ले रहा है खुद से कि अभी 7 दिन में 7 वीडियोस आएंगे। पर थ्रिल इतनी भारी पड़ सकती है ये थोड़ी पता था, लेकिन फिर भी दीपोर मिल में दोस्तों के साथ जाने से लेकर के चांगसारी तक NS 200 चलाने जाना और फिर अपना गारो हिल्स तो है ही। और भाई साहब देखते ही देखते 7 दिन में 7 वीडियोस, फाइनली 7वां वीडियो तुम्हारा भाई बना रहा है। तो सबसे पहले तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज योर बॉय अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और भाई साहब देखते ही देखते 7 दिन में 7 वीडियोस, फाइनली 7वां वीडियो तुम्हारा भाई बना रहा है। और इतना आसान नहीं था मेरे लिए ये, क्योंकि मैं बनाता था हफ्ते में 2 वीडियोस या फिर कभी कभार हफ्ते में या फिर कभी कभार 10 दिन में। तो वहाँ से डायरेक्टली हफ्ते में 7 दिन में 7 वीडियोस डालना मेरे लिए आसान नहीं था, बट जो भी हो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आप लोग का भी सपोर्ट मिला, तो फाइनली 7 दिन में 7 वीडियोस वाला चैलेंज होता है ख़त्म। और आप लोग क्या सोचते हो कि आगे और वीडियोस कंटिन्यू करते रहने चाहिए रेगुलरली, या फिर से मैं अपना वही एक दिन छोड़ के एक दिन डालने वाला ट्रेंड में वापस आ जाऊँ? तो कमेंट्स में ज़रूर से बताना, ताकि मैं भी थोड़ा फिर इसके ऊपर सोच विचार कर सकूँ। और अभी तो भाई 2 दिन वीडियोज़ नहीं आएंगे, क्योंकि फिर थोड़ा रेस्ट होगा, थोड़ा चिल वाला सीन होगा, फिर उसके बाद करते हैं कुछ और धमाकेदार। और आज के वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा खास, और एंड में थोड़ी बहुत आपसे इंपॉर्टेंट बातचीत है, थोड़ी बहुत आपकी सजेशंस की ज़रूरत है, तो एंड तक ज़रूर से बने रहना। तो अभी ड्रोन शॉट लेते लेते अभी कौवे और चील जो ड्रोन को ले ही चले जाते, तो लकीली बच गया। कौवे बहुत सारे घूम रहे और ड्रोन पे जो है आक्रमण हो ही चुका था लगभग, बट संभाल ली। तो जैसे कि भाई साहब बाइक का 1000 किलोमीटर हो चुका है कंप्लीट, मतलब 1050 किलोमीटर हो चुका है कंप्लीट। और बहुत लोग आप लोग मेरे को बाइक का ABS का क्या सीन हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में पूछ रहे थे। तो इसी के चलते आज सोचा कि एक बार आपको बाइक का अपडेट अभी क्या है, ABS रियर ABS का जो मेरा इशू था फेलियर में उसमें क्या अपडेट है वो, और एक 1000 में ओवरव्यू कि क्या क्या अभी तक चेंजेज आए, क्या क्या अभी तक प्रॉब्लम्स उभर के आई है, मैं सारी आपको बताता हूँ। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, भाई साहब 1000 किलोमीटर चला लिए, अभी तो वाइब्रेशन शुरू हो ही गया होगा ना? तो जी हाँ भाई साहब, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी सी निराशा देते हुए कहना पड़ेगा कि नहीं, अभी तक कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट, ना ही फेयरिंग में ना ही बॉडी में। सिर्फ एक ही जो है, मैंने कहा था आगे की वाइसर की थोड़ी साउंड निकल गई है, और उसका भी कारण है क्योंकि मैंने जब नंबर प्लेट लगाया था तो उसका नॉट ढीला रह गया था, तो वो नॉट टाई करने से हो जाएगा। तो मतलब कोई अभी तक फेयरिंग की साउंड कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। पता नहीं लोगों को क्या ऑब्सेशन है, मतलब अलग ही ऑब्सेशन है लोगों को, भाई तू तो झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं वाइब्रेशन कैसे नहीं मारे गया, ABS का प्रॉब्लम है, शेयर किया ना मैंने, बजाज मेरे को पैसा नहीं दे रही है, तो इसके लिए अच्छा बोलने के लिए, तो प्रॉब्लम्स आने से बताऊंगा। तो जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं, वो इसको चलाते चलाते कहेंगे, क्योंकि इसको चलाते चलाते अगर कहते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा मैं भी अच्छे से बता पाऊंगा। तो अभी निकलते और लॉकडाउन की थोड़ी सी फील ले गया थे, थोड़ी सी। तो जी हाँ, आज बहुत अरसों बाद व्लॉगिंग हो रही है GoPro के साथ बिना माइक के, ये देख सकते हो। और इसके साथ आज सुबह बहुत खुराफाती मचाई है, व्लॉग भी बनाया मैंने, बट मुझे जितना तक लगता है, और मैं कल यही व्लॉग डालने का बात था, बट अगर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं हुआ तो मैं नहीं डालूंगा। अगर आप लोग को जेन्युइनली में व्लॉग देखने का मन है तो आप लोग कमेंट्स करो, तो मैं पक्की बातें डाल दूंगा, बट अगर इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो फिर क्या डाल के, और तो फिर डाल के और क्या ही फ़ायदा। तो भाई साहब अभी दूसरे पॉइंट की बात करते हुए, एंड देट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, थोड़ा सा बहुतों के लिए शायद से ना हो, बट बहुतों के लिए शायद से ये नेगेटिव पॉइंट हो, एंड देट इज़ द RS 200 बींग सच अ प्रीमियम बाइक नॉट हैविंग द गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर। तो जी हाँ भाई साहब, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर ये सेगमेंट की बाकी सारी बाइक्स में आ जाती है और RS में नहीं है। तो उससे होता क्या है, मेरे पास एक्चुअली बहुत लोगों के DMs आते हैं कि भाई मैं नया बाइक लेने वाला हूँ, मेरा फर्स्ट बाइक RS होने वाला है,
मैं लू कि नहीं लू, तो लेने को तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप नए बाइक चलाने सीख रहे हो और अगर आपका गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर ना हो, वो भी एक 6-speed गियर बॉक्स में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो पॉसिबिलिटीज ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गियर शिफ्टिंग में दिक्कत हो सकती है। 4 नंबर गियर में आप 20 की स्पीड में क्लच छोड़ दोगे बाइक को, बाइक के इंजन में फिर प्रेशर आता है, बाइक का इंजन हार्म होता है वैसे। और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए जल्दी से जल्द मैं कुछ करने वाला हूँ, तो आफ्टर मार्केट गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर में जल्द से जल्द लगाने वाला हूँ, उसका भी वीडियो आएगा बहुत ही जल्द। तो नाउ अभी जो थर्ड पॉइंट है उसमें बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा एक टास्क, और डेट इज़ कि मैं अगले हफ्ते किसी 2 बाइक का रिव्यू करने के लिए सोच रहा हूँ। तो जो डिमांड आ रही है सबसे ज़्यादा वो है डोमिनर 250 और ड्यूक 200 की और MT-15 की भी, तो मैं किस दोनों बाइक्स में मैं अगले हफ्ते रिव्यू बनाऊँ, और इंडिपेंडेंस डे राइड आ रहा है तो उसकी बातचीत तो चलो फिर भी बाद में कर लेंगे। तो किस दोनों बाइक्स में रिव्यू करूँ एक बार कमेंट में ड्रॉप कर दो, और आप लोग सब लोग एक बार कमेंट चेक कर लेना। आप लोग को अगर पकड़ लो, आप जो देख रहे हो आपको अगर ड्यूक 200 में चाहिए और किसी ने ड्यूक 200 में कमेंट कर दिया तो उसको लाइक कर दो, तो ताकि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इंक्रीज़ कर दो जिस बाइक में आपको रिव्यू चाहिए, ताकि मेरे को थोड़ा एक आइडिया आ पाए और उसी बाइक का मैं सबसे पहले कर पाऊँ। सो नाउ भाई साहब, टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज़ बजाज की बहुत ही चीप मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जी हाँ, बजाज की बाइक से चीप मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, जैसे कि मैंने वीडियोज़ में टाइम टू टाइम कहता रहता हूँ। तो भाई मैं या फिर मेरे जैसे बहुत लोग जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, हम लोग हैं टीनेजर्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, या फिर बहुत लोग जो लोग नए जॉब्स में घुसे हो, या फिर वही मतलब कि ज़्यादा पैसा बाइक के सर्विसिंग में अभी खर्च नहीं करना है, तो KTM की सर्विसिंग बहुत कॉस्टली होती है। फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, फिर यामाहा R15 V3 की लगभग 1000 रुपये की आ जाती है, बट बजाज की जो है मेरी RS की आती है 550 से 600 रुपया फ्री सर्विसिंग। KTM की फ्री सर्विसिंग आती है 2000 के आसपास की, R15 की आती है 1000 की, बजाज की आती है 550 के। और अगर आप अच्छे से मेंटेन करो बाइक, ठीक है, तो आपकी बाइक दिक्कत नहीं देती है। मेरी 220 BS3 पुरानी वाली, चेंज स्प्रॉकेट 40,000 किलोमीटर में कभी चेंज नहीं हुआ, टायर्स स्टॉक टायर्स मैंने चेंज किए 30,000 में, और सेम मैं RS के साथ भी वैसा ही होने वाला। आप लोग तो बने रहोगे वीडियो में, आप लोग तो हो साथ, आप लोग देखते रहना किस हिसाब से बाइक मेंटेन करता हूँ, किस हिसाब से आप अपनी बाइक की जो पार्ट्स है उसकी चेंज स्प्रॉकेट हो गए, टायर्स हो गए, उनकी लाइफ और बढ़ा सकते हो। तो मेंटेनेंस तो यस, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है जिसके लिए बहुत बेनिफिट होता है एक तो, प्लस माइलेज भी अच्छा है। तो तुम अगर इफ़ मेरे को इतना पावरफुल एक बाइक में इतना कम बजट में होता है मेरा खर्चा, अगर इतना कम मेंटेनेंस में हो जाता है तो यस, सो यस दैट इज़ अ बिग प्लस वन फॉर मी। तो भाई साहब, इसी के साथ एक छोटा सा मेरा 1000 किलोमीटर्स रिव्यू का वीडियो के एंड तक पहुँचते हुए हम लोग, और मैं यही कहना चाहता हूँ एंड में कि अभी तक सोफार डे वन में जैसी थी वैसी ही है, ठीक है, अभी तक बाइक जैसी थी, जैसी मेरे को नीड्स थी, जैसी मेरी ज़रूरत थी अभी तक, सो अभी तक इट इज़ परफॉर्मिंग एग्जैक्टली अप टू इट। और रही बात कि आपको क्या लेनी चाहिए, क्योंकि आता है तो सिर्फ यही क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं, तो भाई बैठो, लिस्ट बनाओ, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखो और जो अच्छी लगती है वही ले लो, क्योंकि बाइक सारे अच्छे होते हैं और छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम सारी बाइक में आएंगी। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भरी हुई बाइक से आज की ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहेगी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी बाइक ख़राब होता है, बाइक सारी अच्छी होती है, बट आपको कौन सी चाहिए आप वो देख लो। और इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो एंड, होप यू गाइस लाइक इट, मेरा छोटा सा सिंपल सा 1000 किलोमीटर्स का रिव्यू। और अभी 2 दिन वीडियोस नहीं आएंगे, थोड़ी बहुत रेस्ट लेगी तुम्हारे भाई, और कमेंट में कौन सा बाइक का ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए बता देना, बरसात कर देना कमेंट्स की, ताकि मैं देख पाऊँ। और डेली व्लॉग्स का क्या करना है, कंटिन्यू करना है या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर है, उसका भी थोड़ा सजेशंस दो। मिलता हूँ आप लोग से बहुत ही जल्दी किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज़ योर बॉय अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जॉय आर योर होम।